अगला स्कीम है हमारे पास में पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा पृथ्वी विज्ञान। देखो यहाँ पृथ्वी का पृथ ले लिया है और विज्ञान का वी आई लिया है, तो दोनों को मिला के क्या हो गया पृथ्वी, तो पृथ्वी हो गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है। ये ओवर आर्किंग स्कीम है दैट इनकॉर्पोरेट्स वेरियस ऑन गोइंग स्कीम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो ये एक ओवर आर्किंग स्कीम है जो कि इनकॉर्पोरेट करता है जितने भी सारे स्कीम्स हैं इस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर, उसको ओवर एक कर देगा, उसके अंदर सब कुछ रखेगा। की हाईलाइट्स क्या है स्कीम का, 2021 से 2026 तक का टेन्योर है। पर्पज़ क्या है, होलिस्टिकली एड्रेस ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू द अर्थ सिस्टम साइंस। मतलब होलिस्टिकली एड्रेस करना है वो सारे एस्पेक्ट्स को जो कि अर्थ सिस्टम साइंस से रिलेटेड हो। अर्थ सिस्टम साइंसेस डील्स विद ऑल फाइव कॉम्पोनेंट्स ऑफ द अर्थ सिस्टम। सो जो अर्थ सिस्टम साइंस है ना, ये क्या होता है, अर्थ सिस्टम साइंस जो है पंच तत्व पृथ्वी का, उससे मतलब डील करता है। ऑल फाइव कॉम्पोनेंट्स ऑफ द अर्थ सिस्टम जैसे एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर, जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर, बायोस्फेयर। तो पाँच कॉम्पोनेंट्स ऑफ अर्थ सिस्टम क्या है, एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर, जियोस्फेयर, क्रायोस्फेयर और बायोस्फेयर, और उसके बीच का कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस। कॉम्पोनेंट्स क्या है इसका, इट एनकम्पासेस फाइव ऑनगोइंग सब स्कीम्स। इसके अंदर फाइव सब ऑनगोइंग सब स्कीम्स एनकम्पास किए गए हैं। कौन कौन से, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज अक्रॉस। इसका फुल फॉर्म क्या है, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ डायनेमिकल मॉडल्स एंड प्रोवाइडिंग द फोरकास्ट सर्विसेज। तो ये फोरकास्ट सर्विसेज के लिए एक है कंपोनेंट। दूसरा है आपका ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज़ ओ स्मार्ट, दैट इज़ ओशन सर्विसेज। ओ स्मार्ट का मतलब ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इट इज़ फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर ओशनिक एप्लीकेशन सर्विसेज फोरकास्ट एंड एडवाइजरीज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन द मेरीन एंड कोस्टल एनवायरमेंट। फिर है पेसर। पेसर का फुल फॉर्म है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च। सो पेसर के अंदर क्या आता है, कॉम्प्राइजिंग द अंटार्कटिक प्रोग्राम, इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम, सदर्न ओशन प्रोग्राम एंड क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट प्रोग्राम। तो पेसर ये जो पोलर साइंस और क्रायोस्फेरिक रिसर्च है जिसको शॉर्ट में पेसर बोलते हैं, ये क्या करता है, ये कॉम्प्राइज करता है अंटार्कटिक प्रोग्राम, इंडियन आर्कटिक प्रोग्राम, सदर्न ओशन प्रोग्राम, क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट प्रोग्राम। फिर सीस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेस जो है सेज, सीस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेस सेज एनकम्पासेस सिक्स एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग सीस्मोलॉजिकल मॉनिटरिंग एंड माइक्रो जोनेशन एंड सेटिंग अप अ फैसिलिटी फॉर जियो क्रोनोलॉजी। सो सीस्मोलॉजी और जियो साइंसेस जो है सेज, सीस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेस इट एनकम्पासेस सिक्स एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग सीस्मोलॉजिकल मॉनिटरिंग एंड माइक्रो जोनेशन एंड सेटिंग अप अ फैसिलिटी फॉर जियो क्रोनोलॉजी। रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच, जिसको शॉर्ट में रीच आउट बोलते हैं, ये इनकॉर्पोरेट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन अर्थ सिस्टम साइंसेस आरडीएस। सो इनकॉर्पोरेटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन अर्थ सिस्टम साइंसेस आरडीएस, डेवलपिंग स्किल्ड मैन पावर इन अर्थ सिस्टम साइंसेस। ठीक है, तो ये फाइव कॉम्पोनेंट्स हैं किसके अंदर, अर्थ सिस्टम साइंसेस के अंदर। सो ये इसको बार बार आप सुनिए, पृथ्वी के अंदर ये सारी चीज़ें एक बार रिकैप कर लेते हैं। पृथ्वी के अंदर क्या क्या था, अक्रॉस, ओ स्मार्ट, पेसर, सेज, रीच आउट। रीच आउट का फुल फॉर्म है रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच। सेज का फुल फॉर्म है सीस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेस। पेसर का फुल फॉर्म है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च। ओ स्मार्ट का फुल फॉर्म है ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। और अक्रॉस का फुल फॉर्म है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। सी यू इन द नेक्स्ट गेम, टिल देन बाय।